रुपए, ये नाम और ये लोगो शायद आपके भी बैंक अकाउंट के क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर होगा। इसकी शुरुआत की थी नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2012 में एज एन ऑल्टरनेटिव टू फॉरेन नेटवर्क कंपनीज जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड एक्सेट्रा। ये रुपए टर्म दो वर्ड से मिलकर बना है विच इज रूपी एंड पेमेंट। शुरू होने के बाद 2013 में इसका मार्केट शेयर सिर्फ 0.6% का था, बट अगले 7 सालों में इसका मार्केट शेयर बढ़कर 65% का हो गया एंड आज ये इंडिया के कार्ड पेमेंट नेटवर्क को डोमिनेट कर रहा है। रुपे कार्ड को लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव था फॉरेन मल्टीनेशनल कार्ड कंपनी से इंडियंस की डिपेंडेंस को कम करना, जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड से। एंड टू द वेरी एक्सटेंट इंडियन गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव को पाने में सक्सेसफुल भी रही है। अगर हम स्टैट्स पर नजर डालें तो 2011 से लेकर 2022 तक 1158 बैंक 600 मिलियन से भी ज्यादा रुपे कार्ड इशू कर चुकी है और साल 2021-22 में रुपे कार्ड की ट्रांजेक्शन वॉल्यूम 1500 मिलियन से भी ज्यादा की थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रुपे की पूरी कहानी एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रुपे ने बड़ी एमएनसी जैसे वीजा और मास्टर कार्ड को इंडियन मार्केट में पीछे छोड़ दिया है। वीजा इज अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डू यू नो व्हाई? बिकॉज इट बैक्स रुपे ओवर वीजा। बोथ कंपनीज क्लेम दे डू नॉट गेट अ लेवल प्लेइंग फील्ड हियर, दे हैव सॉट एन इंटरवेंशन फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट। द कंटेंडर इज रुपे, इंडियाज वेरी ओन पेमेंट सिस्टम। अब इससे पहले कि मैं आपको रुपए की स्टोरी बताऊं, उससे पहले ये समझते हैं कि नॉर्मल कार्ड ट्रांजैक्शन काम कैसे करती है। मान लो पर्सन ए जो कि एक बायर है, उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपए की है। और मान लो दूसरी तरफ है फर्म ए, यानी एक सेलर या मर्चेंट जिसका अकाउंट HDFC बैंक में है, जिससे इस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा बन जाता है इशूइंग बैंक और HDFC बैंक बन जाता है एक्वायरिंग बैंक। अब जानते हैं कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस में बैकएंड पर क्या काम होता है। मान लो कि पर्सन ए ने फर्म ए से कोई 5,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करना है, तो पर्सन ए अपने कार्ड डिटेल्स को मर्चेंट की वेबसाइट के पेमेंट गेटवे पर फिल करेगा, जो कि इस केस में मान लो रेजर पे है। तो रेजर पे हमारी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और ट्रांजेक्शन अमाउंट को मर्चेंट के बैंक यानी कि इस केस में HDFC बैंक को पास ऑन कर देगा। इसके बाद HDFC बैंक इस ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके पर्सन ए के क्रेडिट कार्ड नेटवर्क तक फॉलो ऑन कर देगा, जो इस केस में लेट सपोज मास्टर कार्ड है। ये सब होने के बाद मास्टर कार्ड इस ट्रांजेक्शन को पर्सन ए के बैंक यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर अप्रूवल की रिक्वेस्ट मांगने के लिए भेज देता है। इसका सिंपल मतलब है कि मास्टर कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा के सिस्टम से कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है, जैसे कि क्या पर्सन ए के पास सफिशिएंट फंड्स है या फिर उसका बैंक स्टेटस क्या है और उसका क्रेडिट स्कोर कितना है। जैसे कि अगर पर्सन ए की क्रेडिट लिमिट ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है तो उस केस में ट्रांजेक्शन अप्रूव नहीं होगी, और अगर ये डेबिट कार्ड का केस होता तो यहाँ पर कार्ड का बैलेंस चेक होता और अगर बैलेंस सफिशिएंट नहीं होगा तो भी ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन उसी वक्त डिक्लाइन हो जाएगी। लेकिन अगर पर्सन ए के पास ट्रांजेक्शन की सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी तब ये ट्रांजेक्शन ऑथराइज कर दी जाएगी, और इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा मास्टर कार्ड को एक कोड ऑफ अप्रूवल के साथ ये रिस्पांस भेज देगा, जिसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,000 की अमाउंट होल्ड पर रख दी जाती है। इसके बाद मास्टर कार्ड एक कोड ऑफ अप्रूवल को पेमेंट गेटवे की ओर भेज देता है, जो कि इस केस में रेजर पे है, और फिर रेजर पे इस अप्रूवल को अक्वायरिंग बैंक यानी HDFC बैंक को भेज देता है। फिर फाइनली HDFC बैंक इस अप्रूवल कोड को मर्चेंट के डोमिनल पर भेज देता है और कस्टमर को ट्रांजेक्शन की रिसीप्ट मिल जाती है। जितनी बड़ी ये प्रोसेस सुनने में लगती है, रियल टाइम में इस प्रोसेस को होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का समय लगता है। तो ऐसे होती है पूरी कार्ड ट्रांजेक्शन। बट अब रुपे के पास ऐसा क्या अलग था कि उसने दोनों वीजा और मास्टर कार्ड को इंडियन मार्केट में पीछे छोड़ दिया। आइए जानते हैं रुपे की स्टोरी डिटेल में। रुपए की शुरुआत होती है 2009 में, जब RBI ने एक ग्रुप को सेटअप किया जिसका काम था इस चीज को स्टडी करना कि इंडिया में हम कैसे डोमेस्टिक पेमेंट नेटवर्क को सेटअप कर सकते हैं। इस वर्किंग ग्रुप ने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में एक ऐसे अल्टरनेटिव की जरूरत है जो कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज को रिप्लेस कर सके। RBI इंडियंस के लिए खुद का सिक्योर और रिलायबल ऑनलाइन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती थी, क्योंकि फॉरेन कंपनीज जैसे वीजा और मास्टर कार्ड ट्रांजैक्शंस पर बहुत हाई अमाउंट चार्ज करते थे। 2010 में RBI ने एक डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट प्रपोजल की रिक्वेस्ट इशू करी एंड NPCI को इस नेटवर्क को सेटअप एंड ऑपरेट करने के लिए सिलेक्ट किया गया। NPCI इंडिया के सारे रिटेल पेमेंट्स के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। NPCI के बारे में आप और जानने के लिए हमारी इस UPI वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लॉन्च के बाद 2013 तक भी रुपए का मार्केट शेयर सिर्फ 0.6% का था। तो अब सवाल आता है कि अगले 7 सालों में ऐसा क्या चेंज हुआ जिसकी वजह से रुपए का मार्केट शेयर इतना ज्यादा बढ़ गया।
2014 में आता है इंडियन गवर्नमेंट का एक रेवोल्यूशनरी स्टेप जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। 2011 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस इनिशिएटिव से पहले 557 मिलियन लोगों के पास बैंक अकाउंट तक भी नहीं था एंड ये ऑलमोस्ट इंडिया की पॉपुलेशन का 50% था। ऐसा इसीलिए भी था क्योंकि उस समय बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए 3000 से 5000 रुपए का प्री डिपॉजिट लगता था। अब ये बात फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए तो ठीक थी बट उस समय इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर जैसे फ्रूट सेलर्स डेली वेंडर्स जैसे लोग थे जिनके लिए ये अमाउंट उनके पूरे मंथली इनकम के बराबर थी एंड इसी वजह से ये लोग बैंक अकाउंट खुलवाना प्रेफर नहीं करते थे। ऐसे में गवर्नमेंट अगर इन लोगों की मदद करना भी चाहे तो बिना बैंक अकाउंट के ये उन लोगों तक मदद नहीं पहुंचा सकती। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बाद अब हर कोई अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता था बिना किसी प्री डिपॉजिट के और अब गवर्नमेंट बेनिफिट जो इस इनिशिएटिव के अंडर आते थे उन सब का भी कस्टमर्स फायदा उठा सकते थे। इस इनिशिएटिव के अंडर पहले ही साल में देश में लगभग 18 करोड़ अकाउंट्स खुले एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इस स्कीम के अंडर दिसंबर 2021 तक 44 करोड़ नए अकाउंट खुल चुके हैं जिनका ओवरऑल बैलेंस लगभग 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग 44 करोड़ बैंक अकाउंट्स में से ऑलमोस्ट 35 करोड़ बैंक अकाउंट्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ हैं, ऑलमोस्ट 8 करोड़ अकाउंट्स रीजनल रूरल बैंक्स के साथ हैं एंड रेस्ट 1.28 करोड़ बैंक अकाउंट्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ हैं। और दिसंबर 29, 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग 25 करोड़ बैंक अकाउंट होल्डर्स विमेन थी। स्कीम के आने के बाद पिछले 6 महीनों में रुपए को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिला है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर पर अब हर नए बैंक अकाउंट होल्डर को वीजा और मास्टर कार्ड की जगह रुपए कार्ड दिया जा रहा है एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इस स्कीम के अंडर अब तक 31.28 करोड़ डेबिट कार्ड इशू किए जा चुके हैं। रुपए को एक पुश इसीलिए भी मिला था क्योंकि इंडिया में जितनी भी कंपनीज का एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज से ज्यादा का था उन सभी कंपनीज को अपने कस्टमर्स के लिए रुपए पेमेंट सर्विस देना नेसेसरी हो गया था एंड इस तरह से रुपए ने मास्टर कार्ड और वीजा जैसी कंपनीज पर अपनी डोमिनेशन एस्टैब्लिश करी। अब बात करते हैं कि कार्ड ट्रांजैक्शन की बिजनेस प्रोसेस कैसे होती है एंड ये जानते हैं कि इस फैक्टर की वजह से रुपए ने वीजा और मास्टर कार्ड को कैसे पीछे छोड़ दिया। किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए कार्ड नेटवर्क जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड एक स्पेसिफिक अमाउंट का चार्ज लेती हैं जो कि ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1-3% होता है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था पर्सन ए का जिसमें उसने 5000 रुपए की ट्रांजैक्शन करनी थी तो लेट सपोज उसे 1% का चार्ज पड़ता है यानी 50 रुपीज और ये अमाउंट उस 5000 की टोटल वैल्यू से कट कर मर्चेंट के बैंक में सिर्फ 49.50 रुपीज ट्रांसफर होते हैं एंड इसी 50 रुपीज के चार्ज को हम MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। इसी तरीके से ये पूरा सिस्टम हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है। MDR क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में काफी वेरी करता है जहां क्रेडिट कार्ड में MDR 3% तक का हो सकता है वहीं डेबिट कार्ड में ये 0.9% तक का भी होता है। 2014 तक वीजा और मास्टर कार्ड मार्केट की डुओपोली बने बैठे थे बट उसके बाद सामने आता है रुपे। रुपे का मेन एम था इंडिया के हर इकोनॉमी लेवल के लोगों के लिए कार्ड ट्रांजैक्शन को अवेलेबल कराना और फिर डोमेस्टिक नेटवर्क के लिए रुपए का एक बहुत अच्छा स्टेप सामने आता है जहां वीजा और मास्टर कार्ड ट्रांजैक्शन पर एक फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज कर रहे थे वहीं रुपए ने 90 पैसे का सिर्फ एक फिक्स्ड MDR तय कर दिया और फिर अगले 6-7 सालों में रुपए का मार्केट शेयर 34.6% का हो गया। लेकिन फिर इसके बाद जनवरी 1, 2020 को इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि अब रुपए पर 0% MDR चार्ज किया जाएगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने 1300 करोड़ का एक रिलीफ फंड भी जारी किया था जिससे कि जो इशूइंग बैंक्स को नुकसान हो रहा था उसे कंपनसेट किया जा सके। रुपे कार्ड के आने से पहले वीजा और मास्टर कार्ड की ऑफरिंग्स इंडिया के 500 में से सिर्फ 55 बैंक्स में थी एंड इनका मेन फोकस भी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स पर था जिसकी वजह से एक ऐसे नेटवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो इंडिया के सभी 500 बैंक्स में अपनी सर्विसेज दे सके एंड इसकी कमी आखिर में रुपे ने पूरी करी। इसके साथ ही 2015 में रुपे ने अपने रुपे प्लैटिनम कार्ड को भी लॉन्च किया जो कि रुपे नेटवर्क का ही एक हिस्सा है। रुपे प्लैटिनम कार्ड यूजर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि इनहेंस सिक्योरिटी लेवल्स ट्रैवल इंश्योरेंस जीरो लायबिलिटी हायर क्रेडिट स्कोर एक्सेट्रा। 2017 में रुपे ने अपना खुद का वर्चुअल कार्ड भी लॉन्च किया जिसका नाम था रुपे सॉफ्ट POS जिसकी वजह से मर्चेंट्स अब बिना किसी फिजिकल कार्ड रीडर्स के पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते थे। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि 2018 में वीजा को US गवर्नमेंट की मदद मांगनी पड़ गई थी क्योंकि ये जानते थे कि अगर रुपे ऐसे ही ग्रो करता रहा तो ये इंडिया में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब वीजा US गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहती है। तो आप देख ही सकते हैं कि रुपए की आने की वजह से वीजा जैसी डोमिनेंट कंपनी को अब US गवर्नमेंट की मदद मांगनी पड़ गई सिर्फ इंडिया में अपना नाम बनाए रखने के लिए।
तो अब इतनी सक्सेस के बाद रुपए के फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे? इंडियन गवर्नमेंट का रुपए को लेकर पहले भी और अब भी सिर्फ एक गोल था, इंडिया के हर इकोनॉमी लेवल के लोगों तक इस सर्विस को पहुंचाना। गवर्नमेंट रुपए कार्ड की मदद से इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स एंड स्कीम्स प्रोवाइड कराती है जो कि वीजा और मास्टर कार्ड नहीं प्रोवाइड करा पाते, और गवर्नमेंट ने ये काम रुपए किसान कार्ड और प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसे कार्ड की मदद से शुरू भी कर दिया है। लेकिन भले ही डेबिट कार्ड मार्केट में रुपए का शेयर 65% का है, बट क्रेडिट कार्ड मार्केट में अभी भी वीजा और मास्टर कार्ड डोमिनेट कर रहे हैं, एंड क्रेडिट कार्ड मार्केट में रुपए का शेयर सिर्फ 20% का है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट की ये भी कोशिश रहेगी कि रुपए कार्ड को क्रेडिट कार्ड मार्केट में भी पुश किया जाए। एंड दूसरी चीज, जैसे वीजा एंड मास्टर कार्ड पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि रुपए भी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। एंड रुपए कार्ड अब इंडिया के बाहर भी कुछ कंट्रीज जैसे नेपाल, भूटान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक्सेप्ट किया जाता है। सो ये थी आज की वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू नेवर एवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। एंड आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।